भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का वीडियो हो रहा वायरल। एक्टर ने स्टेज पर लड़की को एक के बाद एक लगाया जोरदार तमाचा। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव एक बेहतर एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी और आवाज दोनों से फैंस को अपना दीवाना बनाया हुआ है। जी हां, एक्टर को कई बार स्टेज पर परफॉर्म करते भी देखा गया है, जहां दर्शकों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। लेकिन इस बीच भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देख उनके फैंस के होश उड़ गए। जी हां, वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव स्टेज पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ एक लड़की भी दिख रही है। वहीं स्टेज के नीचे लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसे में खेसारी उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और उसे लगातार 3 थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसे देख लोग दंग रह गए। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का ये वीडियो आज का नहीं बल्कि पिछले साल का है, जब वो पटना परफॉर्म करने के लिए गए थे। उस दौरान उन्होंने स्टेज पर जमकर डांस किया था। वहीं उस बीच उन्होंने एक डांसर को थप्पड़ मारा था। हालांकि उन्होंने सच में थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि ये परफॉर्मेंस का एक हिस्सा था। खेसारी लाल के ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर छाया हुआ है। उनके फैंस उनके इस डांस के अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर उनके इस वीडियो को एक्टर पवन सिंह से तुलना करते हुए भी शेयर किया गया है। दरअसल पवन सिंह और खेसारी की कंट्रोवर्सी काफी पॉपुलर है। कई सालों से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद चल रहा था, इस वजह से भोजपुरी विवादित इंडस्ट्री कही जाने लगी थी। लेकिन समय के साथ साथ अब दोनों की दुश्मनी भी खत्म हो गई है। दरअसल दोनों स्टार फिल्म फेयर फेमिना भोजपुरी आइकॉन्स अवार्ड शो के मंच पर एक साथ दिखाई दिए, जहाँ रवि किशन ने दोनों का हाथ पकड़ा और बॉलीवुड फिल्म का एक गाना जीना यहाँ मरना यहाँ गुनगुनाया। रवि किशन ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को एक साथ मंच पर आमने सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम दोनों के बीच झगड़ा ना कभी हुआ था और ना है और ना कभी होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।